वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों में ये जो दूरी बनी हुई है इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, जो आपके पर्सन आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो चले चेक करते हैं। रीडिंग जर्नल है थीटा पर, आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। एंड क्या करना है, चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार, अचानक से आपको ये वीडियो मिली है, तो ये आपके लिए उस समय का मैसेज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण अभी तक क्यों बना हुआ है, कि आपके पर्सन के बीच ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है इसका कारण क्या है। कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ गई है, तो फिर भी एक बार हम चेक करेंगे। ओके, टू ऑफ सोर्ड पहले भी आया था, टू ऑफ फैंड्स भी आया था, टू ऑफ पेंटिकल। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोल दिया था कि इसमें आपके रिलेशन में काफ़ी हद तक मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। काम के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड ये कारण है कि ये आपको नहीं चाहते हैं याद करना, लेकिन मन ही मन में दुआएं मांगते हुए भी आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। मे बी आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मेरे को किसी ने बोला था कि दी आप मैरिड वालों का बहुत बताते हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब मुझे नज़र आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, एंड आपका उनके साथ मिलना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कुछ कर्मा होते हैं पास्ट में जो हम क्लियर नहीं करते हैं। ओके, अगर आपने पास्ट लाइफ में अपने पर्सन को बहुत सारी वेट कराई है, उनको इग्नोर किया है, तो वो कर्मा अब इस जन्म में आपका क्लियर हो रहा है। सेम चीज़ें अब आप फेस कर रहे हो। जब तक आप दोनों कर्मा क्लियर नहीं करोगे ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करता है। मैं साथ में ये भी बोलती हूँ, अगर जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, तो ये उनके लिए मैसेज होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है एंड इसको बहुत सारे लोग देखते हैं, राइट। और देख लेते हैं, जस्टिस नहीं है इस रिलेशन में, प्यार बहुत है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी निकल के आई है, फैमिली कार्ड आ गया है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, लेकिन प्यार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट का कारण पता क्या है, आपके पर्सन इस रिलेशन में जस्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको जस्टिस ही नहीं दे पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशन पे विक्ट्री तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेंगे जब तक वो आपको अप्रोच ही नहीं करेंगे। यस, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो आप लोग, मैसेज भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। किंग ऑफ सोर्ड, ओके जी, चलें अब बात करते हैं कि आपके किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड कपल कार्ड, लेकिन दूर दूर आए हैं। ओके, तो आप दोनों में अब तक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। हो सकता है वो मैरिड है, या आप दोनों के बीच में फैमिली इशू चल रहा है। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, तो आपके रिलेशन में मुझे यहाँ पे मदर इशू ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो इतना लंबा जो आपका टाइम चल रहा है वो ये है कि आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, अगर उनका कोई लव पार्टनर है, राइट। अगर सेकंड सिनेरियो यहाँ पे फैमिली भी है, कोई भी आपके पार्टनर ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना अपनी फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा बड़ा है जिनसे आपके पार्टनर डरते हैं। मेरे को यहाँ पे मदर दिखाई दे रही हैं जिनके आगे इनकी नहीं चलती हैं, ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, जिनके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज भी आपसे प्यार बहुत करते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के रिलेशन में, वो मुझे यहाँ पे फैमिली मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है उनके मन के अंदर बहुत सारा प्यार है, जैसे ये इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हार्ट है और ये पानी बाहर को आ रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड चाहते हैं आपको अपनी फैमिली में लेके आना, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है। अगर अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हैं तो इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, अगर ये आपको छोड़ते हैं तो अभी ये पेन में है, मतलब दोनों तरफ से ना, ये जैसे होता है ना चक्की के
पार्ट कैसे ऐसी कुछ है एग्जाम्पल, तो उसमें पिसते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से रोते हैं, अकेले हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते रहते हैं एंड दुआएं मांगते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स कुछ ऐसा तरीका बताएं, कुछ ऐसा रास्ता बताएं, मुझे ऐसा रास्ता दिखाएं कि मैं उसको अपनी लाइफ में ले आऊँ और अब मेरी फैमिली भी खुश रहे। कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट की जो इस समय एनर्जी बाहर आई है वो है आप दोनों के बीच की थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच में क्या है आप लोग बेहतर जानते हो, राइट। हो सकता है यहाँ पे मुझे कास्ट इशू भी दिखाई दे रहा है, रिलीजन भी दिख रहा है, ओके। तो आपको ज़्यादा पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। तकलीफ में है आपके पर्सन, बहुत सोचते हैं, ये जैसे ये लेडी बैठी है क्वीन ऑफ सोर्ड, बहुत अकेले में बैठे हुए हैं, सोचते जा रहे हैं कि मैं इसका कैसे हल निकालूं। यहाँ पे तीन फ्लैग है, तो क्या बता रहे हैं कि रेड फ्लैग भी है एंड ग्रीन फ्लैग भी है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये ऐसी पर्सनालिटी है कि इनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना ये ना अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अटैच्ड है, तो उनको भी छोड़ते हुए इनको पेन होता है कि अगर मैं उसको अपनी फैमिली को जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जो भी है मेरे लिए करा, जो कुर्बानियाँ करी मेरी माँ ने या मेरे लिए बहुत कुछ करा, चाहे आपका पार्टनर मेल है फीमेल है, लेकिन वो अपनी मदर के साथ काफ़ी अटैच्ड है, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। यस नो रीडिंग करते हैं। विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं इस रिलेशन पे। अभी इस समय आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पर्सन आपके लिए प्यार तो बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन मजबूर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स इस समय सिक्स ऑफ विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर अट्रैक्शन भी बहुत है, आपके लिए जैसे होता है ना पागलपन की हद तक प्यार है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ये लड़की बैठी है, ये आप हूँ, ये इनकी फैमिली है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, ये इनका हाथ इधर भी है लेकिन देख इधर रहे हैं, आपको इनके कारण इग्नोर किया जा रहा है, ये कब खाली है देखा है आपने ये भी चीज़, और ये कब भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो, और बट ये क्या है, ये इनको भरने में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती का इस चीज़ में ग्रोथ ला रहे हैं, जबकि इनके सात रंग, आप उनकी एक ऐसी खुशी हो जिसको मैं कह सकती हूँ कि जैसे रेनबो, बट क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के बीच में रीज़न क्या है। मैं आपके लिए ये यस नो इसलिए करती हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए कि रीडिंग में जो आया है तो वो सेम वैसा ही है जैसे हमने रीडिंग करी है। तो आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस डेफिनेटली है। किंग ऑफ वैंड्स आया है, इग्नोर करते हैं आपके मैसेजेस को, आपके कॉल्स को, आप उनकी वेट कर रहे हो ये भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो यूनिवर्स बताइए जो थर्ड पार्टी है, जो यस आपके लिए बहुत प्यार है, तो ये किसको सिलेक्ट करेंगे, थर्ड पार्टी को या मेरे व्यूवर्स के प्यार को, आगे आने वाले समय में ये किसको सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके वेट गाइस, कार्ड गिर गया। ओके टेन ऑफ वैंड्स पर बर्डन बहुत है, कंफ्यूजन है, कुछ आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपसे भी प्यार है, अपनी फैमिली से भी प्यार है, बहुत बर्डन है। जैसे आप देखो ना, ये जो लड़का है इसने 10 वैंड्स हैं, ये पूरी इन वैंड्स को उठाने की कोशिश कर रहा है, बहुत दम लगा रहा है लेकिन उठा नहीं पा रहा है। सेम वैसे ही ये आपको भी रखना चाहता है, अपनी फैमिली को भी साथ रखना चाहता है, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में ये फंस गया है, ये दोनों का ही बोझ नहीं उठा पा रहा है। ये इस समय ना इनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत परेशान है आपके पर्सन। यूनिवर्स टेन ऑफ फ्रेंड्स आया है, तो प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए, मैं कार्ड्स निकालती हूँ। डेथ कार्ड आया है, किसी एक चीज़ को इनको छोड़ना होगा तभी रिबर्थ होगा, किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, या तो ये आपको छोड़ेंगे या फिर ये अपनी फैमिली को छोड़ेंगे। यूनिवर्स ने क्लियर आंसर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल आया है, आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं। और देखें
यूनिवर्स ये बताइए, क्या ये आज भी, अगर इतना लंबा अरसा हो गया है मेरे व्यूवर्स को, ये आज भी मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं? क्या ये आज भी मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं? एक कर दीजिए और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। दो काफ़ी कार्ड आए तो मैं कार्ड खुद निकालती हूँ। यस, ये आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं, ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं। तो यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? वेट करनी चाहिए, इस पर्सन की वेट करनी चाहिए। एक कार्ड दीजिए, देखते हैं कि क्या आता है। यस, आपको वेट करनी है, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान देना है, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। आपको वेट तो करनी चाहिए, छोड़ दीजिए इसको अभी, अपने पर्सन को मतलब स्पेस दे दीजिए, इस रिलेशन को स्पेस दे दीजिए। यस, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। वेट करिए, लेकिन अपना टाइम किधर कंज्यूम करना है? अपनी ग्रोथ की ओर। तो यूनिवर्स, आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स का इस व्यक्ति के साथ, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ कोई फ्यूचर है? आने वाले समय में इनका फ्यूचर है साथ में, बहुत सारे हैं। यस, डेफिनेटली यस, टू ऑफ कप्स। आपका फ्यूचर इसी पर्सन के साथ है, लेकिन अगर आपकी, आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी खींच के अपने ऊपर ले आते हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हो, सेल्फ लव करते हो, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान करते हो, ये खुद खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। यस, डेफिनेटली यस, आपका फ्यूचर है, आप दोनों ही डेस्टाइन हो, एक दूसरे के लिए बने हो, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलाया गया है। इफ़ ये मैरिड है, ओके, तो तब भी ये ना आपको एक कमिटमेंट देंगे, कुछ इस तरह का रास्ता निकालेंगे कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, ये आपको नहीं छोड़ सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। इस समय दूर ज़रूर है, लेकिन आपको कारण पता है कि वो क्यों दूर है। उनकी फैमिली है आप दोनों के बीच में, अगर ये मैरिड हैं तो इनके बच्चे हैं, फैमिली है, एंड बहुत कुछ देखना पड़ता है प्रैक्टिकल होकर, ठीक है? आप इस चीज़ को समझो। तो यूनिवर्स, कब तक, यस, थर्ड पार्टी आ गई ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सेलिब्रेशन तो देख रहे हैं आपके साथ, आने वाले समय में यूनिवर्स कह रहे हैं आपका रीयूनियन होगा एंड सेलिब्रेशन भी होएगी, ठीक है? तो यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए कि उनको इस समय क्या करने की ज़रूरत है। वैसे तो उन्होंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी, दो हैं, खुद निकाल दें। गाइडेंस क्या होगी? बहुत ज़्यादा, वन कार्ड ओनली यूनिवर्स, स्पिरिट्स, आर्कएंजल माइकल। एक कार्ड दीजिए और बताइए मेरे व्यूवर्स को इस समय क्या करने की ज़रूरत है। इस पेन से बाहर आइए, इस पेन से बाहर आइए। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस पेन से बाहर आइए, दिन रात एक ही व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, वो चीज़ वैसे ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले समय में नहीं तो आपको पेन ही रिसीव होगी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इस पेन से बाहर आने को, सेल्फ लव करने को। यस, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। अपनी केयर कीजिए, अपने ऊपर ध्यान कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड, कोई तो है इनके घर में, बातचीत जो बंद कर रखी है आपको इग्नोर कर रहे हैं। प्यार है आपके लिए, यहाँ मैं प्यार देख रही हूँ, आपके लिए प्यार देख रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड, ओके। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, आप इनसे प्यार करना मत छोड़िए, इनको प्यार कीजिए और इनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए इनको अभी टाइम लग जाएगा। टाइम चेक कर लें कितना टाइम लगेगा। यूनिवर्स, ये कब तक हो सकता है? लेकिन जो 10 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 10 नंबर यहाँ भी आया, 10 नंबर यहाँ भी आया, 10 नंबर यहाँ भी आया। अक्टूबर मंथ में, काफ़ी टाइम से आपको बोल रही हूँ, अक्टूबर मंथ में आपका रीयूनियन हो सकता है। फिर भी यूनिवर्स बताइए कि कब तक हो सकता है ये सब। किंग ऑफ कप्स,
ये आपको अपने प्यार का कप देंगे, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स 1 साल के अंदर, ठीक है। अब आप खुद देखो, क्वीन ऑफ कप्स आया है कि यस ये आपसे प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि ये 1 साल के अंदर होगा और दोनों ही आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। ये जो क्वीन है इसके हाथ में कप है लेकिन इसके ऊपर लीड लगी हुई है। आप ना होप छोड़ चुके हो, आपको लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इस पर्सन के प्रति जो आपका प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ये किंग है, इसके हाथ में 2 कप है, ओके, एंड दोनों के ऊपर लीड नहीं लगी है, कवर नहीं है, लेकिन इट मीन्स कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए भी प्यार है, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत प्यार है, बहुत पैशनेट है आप दोनों के लिए। ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इनको टाइम लगेगा अभी, स्लो एनर्जी है इनकी। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। यस, एस ऑफ सोर्ड न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। टैरो रीडिंग सुनिए, जब पॉजिटिव टैरो रीडिंग आती है तो हमें हम हील होते हैं अंदर से, धीरे 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 क्या होता है कि हम हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बेशक सुनिए, उनकी पिक्चर को देखिए, उनको याद भी कीजिए, लेकिन रोइए मत। ये तो ये आप चीज़ ये एनर्जी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, इस एनर्जी को आप अचीव नहीं कर पाओगे। इस एनर्जी को अभी आप क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कैसी लगी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप आए हो इस चैनल पर पहली बार, रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।